दोस्तों नमस्ते, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है मेरे पवार ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी मैं घर पे ही हूँ, यहाँ सुमेरपुर अपने मायके में। तो जैसे कि दोस्तों आज है संडे, तो कल सैटरडे को मुझे जाना था अपने ससुराल, तो मेरी तबीयत खराब है तो मैं इस वजह से गई ही नहीं ससुराल। मैंने कहा पहले तबीयत ठीक हो जाए इसके बाद ही जाऊंगी। तो हुआ यूँ कि 2 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, मतलब मुझे फीवर जैसा आ रहा है और आज मुझे जुकाम भी लग गया। आप मेरी बात करने से देख रहे होंगे कि आज, और वेदर भी बहुत ही ज़्यादा अजीब है, बारिश हो रही है, तो मैं सुबह बारिश में भी भीग गई थी, इस वजह से भी मेरी तबीयत खराब हो गई है। 2 दिन से फिर वैसे ही हो गया। तो दोस्तों मैं तो घर पे अकेली हूँ, मैं थोड़ी सी लेटी थी यहाँ पे, फिर मेरा मन किया चलो मैं व्लॉगिंग करती हूँ। मन तो नहीं हो रहा था बट मैंने कहा मैं कर लेती हूँ व्लॉगिंग, जो होगा देखा जाएगा। तो सुबह मम्मी ने कहा कि यार मेरे साथ चल ऊपर गांव में, हमारे खेत है वहाँ पे। तो यार मुझे इतनी, क्या बोलते उसको, इतनी सामर्थ्य नहीं हो रही थी कि मैं मम्मी के साथ जाऊं। सुबह बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी बट मैंने मम्मी को बोला आप जा लो, और मुश्किल से मुश्किल एक संडे का दिन मिलता है इसीलिए मैं आज घर ही पे हूँ। तो मैंने मम्मी को बोला आप जाओ मैं घर पे हूँ। तो फ़िलहाल तो अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे, फ़िलहाल अभी कुछ कर नहीं रही हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए, आप सभी को मैं आगे दिखाते रहती हूँ, बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में और मिलते हैं आपसे। और दोस्तों कल मैं गई थी रुद्रप्रयाग, तो मेरा काम वहाँ पे ये था। कल मैं गई थी RTO ऑफिस, तो मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। अप्लाई तो मैंने 7-8 महीने पहले कर लिया था, जो कि मैंने उसमें टेस्ट दिया था ऑनलाइन, तो वो टेस्ट मैंने पास कर लिया था। फिर उसके 2 महीने बाद जो लर्निंग का लाइसेंस बनता है तो वो बना था मेरा 2 महीने बाद, और 2 महीने की उसकी वैलिडिटी थी, और वो मैंने, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने लाइसेंस का वो अप्लाई दोबारा करना था ना उसके लिए, जो परमानेंट होता है लाइसेंस, तो वो एक्सपायर हो गया था। मैं, मुझे ट्रायल देने के लिए जाना था, मैं गई नहीं। फिर मुझे कल गई मैं, फिर मैंने दोबारा फॉर्म सबमिट किया। वैसे मुझे पेपर देना नहीं है अब इसके बाद, जब आएगा दोबारा मैसेज 2 महीने बाद तब जाके मैं जाऊंगी वहाँ पे अपना ये ट्रायल देने के लिए स्कूटी का। तो दोस्तों मैं कल रुद्रप्रयाग गई थी, कल मेरा ऐसे ही मन हुआ कि मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लूँ। एक कुर्ती ले आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने 2-3 जगह पे देखी यार मेरे को पसंद ही नहीं आता। एकदम से कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जैसे दुकानदार एकदम से खोल देता है तो वो एकदम मेरे आंखों का अट्रैक्शन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कस्टमर को पहली बार में ही कोई चीज़ पसंद आ जाती है, तो यार मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। फिर मैंने कहा यार, थोड़ा लास्ट दुकान थी, मैंने कहा यार अगर इसके बाद मुझे कहीं और पे जाना पड़े तो मैंने कहा मैं जाऊंगी नहीं इसके बाद, चाहे वो कितने भी बढ़िया क्यों ना हो। मुझे, मैंने एक कुर्ती ली और वो कुर्ती भी मैंने, मतलब वो तोतिया कलर में ली मैंने, वो थोड़ा डिफरेंट कलर है उसका। मैंने कहा यार इस टाइप की कुर्ती है नहीं मेरे पास, सिंपल है, तो मैं आपको दिखाती हूँ उस कुर्ती को मैंने कैसे ली है, आप मेरे साथ बने रहिए। तो यार मैंने सिंपल से ये वाली कुर्ती ली है तोतिया कलर की, मतलब ये अजीब सा लग रहा है, तो मैंने ये ली 400, 450 की थी, तो मैंने ये ली है 350 में ली है ये वाली कुर्ती। कैसी है ये वाली कुर्ती दिखाती हूँ आपको, मतलब सिंपल है तो ये जीन्स के ऊपर भी डाल सकते हैं। तो यार ये रही वो कुर्ती, मैंने वैसे अभी मम्मी को दिखाया नहीं, मम्मी को कल ही सीधा पहन के दिखाऊंगी। वो मैंने खरीदा है कल, और फिलहाल तो कुछ खरीदा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा सामान है। तो मैं सोच रही थी अब मैं जब नेक्स्ट टाइम श्रीनगर जाऊंगी रक्षाबंधन पे, रक्षाबंधन में भी 30 को है, तो 29 को मैं जाऊंगी यहाँ से, तो पहले 29 को शॉपिंग करूँगी रक्षाबंधन के लिए ड्रेस वगैरह। तो पता नहीं मिस्टर जी मेरा व्लॉग देखने का बोल रहे हैं वही कितने कपड़े चाहिए इसको। यार दोस्तों पता नहीं क्यों मुझे कपड़ों से मन नहीं भरता है, कपड़े कपड़े शूज और ये गोल्ड, तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, 3 चीज़ें मेरे को बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, शूज सैंडल जो भी एक ही होता है और कपड़े। तो कल पहनूंगी मैं इसको मंडे को।
दोस्तों, मैं थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी ना विदाउट मेकअप, क्योंकि मेरे साथ मतलब कुछ व्हाट्सएप पे है ना, तो वो बोलते हैं कि आप मतलब विदाउट मेकअप अच्छी नहीं लगती हो। अरे यार, जब ब्लॉग बनाते हो तो कम से कम मेकअप कर लिया करो, सिंदूर लगा दिया करो या फिर क्रीम पाउडर लगा दिया करो, तब जाके वीडियो बनाओ, ऐसी भूत जैसी बन के वीडियो बनाते हो। तो यार, अब ज़रूरी थोड़ी ना यार हर बार मैं मेकअप करो, वीडियो बनाओ मेकअप करके, तो कुछ अलग भी होना चाहिए ना यार। तो फिलहाल तो सही का थोड़ा सा मैं बाल बाल बना लेती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना यार ऐसे अजीब सा। दोस्तों, फिलहाल मैंने कर लिया है मेकअप, इसे मेकअप भी नहीं बोल सकते, ऐसे नॉर्मल जो भी है अपना घर पे, जैसे घर पे रहते ही हैं। तो दोस्तों, बाल तो मैंने बनाए नहीं है, और मैं आज सुबह का वेदर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आज का मौसम, घने बादल लगे पड़े हैं। सुबह मॉर्निंग में बारिश हुई थी और फिर उसके बाद बंद हो गई, और स्कूटी भी मैंने ऊपर रोड पे खड़ी कर रखी है। और आज सुबह पता क्या हुआ, मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही थी, फिर बारिश आई, पूरा मैं भीग गई। सच में यार बहुत ही बुरी तरीके से भीगी हूँ, तभी तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। और यार जब भी ये मौसम ऐसा होता है ना, पता नहीं मेरी आँखें खुलती क्यों नहीं है ऐसी। गाइस, अभी मैं दाल चावल बना रही हूँ, क्योंकि 11 बज चुके हैं। उसको सबसे पहले तो कैमरा सेट करते ही थे, देखे ना देखे भगवान जाने। उफ, फाइनली तो चला। मम्मी ने बोला इसके साथ मूंग मिक्स कर लेना, तो मूंग मिक्स करती हूँ मैं। सो गाइस, मैंने दाल और चावल बना लिए हैं, और मम्मी भी आ चुकी है। मम्मी जा रही है नहाने के लिए, तो मम्मी आएगी फिर हम खाना खाएंगे। खाना वैसा टाइम नहीं हुआ यार, अभी बहुत टाइम है, अभी 12:30 हो रही है। गाइस, अभी हमने खाना खा लिया है, तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, दिन के बस 1:30। तो फिर शाम के टाइम, शाम का प्लान देखते हैं, कहीं घूमने चले जाएंगे शाम को, रतुड़ा की साइड या फिर तिलानी की साइड। तो आप सभी ने भी खाना खा लिया होगा, हमने तो खा लिया है। तो मिलते हैं आप सभी से शाम के टाइम। हेलो दोस्तों, शाम की शुभ संध्या आप सभी को। तो कैसे हो आप सभी, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी शाम के बज रहे हैं 8:30, जो कि अंधेरा हो चुका है। और दोस्तों, मैं शाम को जा रखी थी घूमने के लिए ऊपर रतोड़ा के साइड, तो वहाँ पे मेरे साथ थे रिंकी। तो पहले तो रिंकी और मैं, हम दोनों साथ में स्कूल में गए थे। थोड़ी सी यादें ताज़ा की हमने, सॉरी दोस्तों मैंने अपने ब्लॉग में बताया नहीं। तो मेरे साथ ऐसे होता है, जब भी मैं अपने दोस्तों को मिलती हूँ ना, तो मतलब उनके साथ मेरा टाइम का पता ही नहीं चलता है, मेरा फ़ोन कहाँ रहता है। कभी कभी तो मैं ब्लॉगिंग करना भी भूल जाती हूँ, तो मैं उस टाइम ब्लॉग नहीं बना पाई। तो काफ़ी टाइम मैं रिंकी के साथ रही, उसके बाद रिंकी को छोड़ने के लिए मतलब हम दोनों साथ में गए ऊपर रतोड़ा गांव में, जो कि मेरा गांव है रतोड़ा में। और क्या बोलते हैं उसको, नीचे आते टाइम मेरे को मोनिका मिली, तो मोनिका भी मुझे काफ़ी टाइम बाद मिली। तो उसके साथ मुझे 1 घंटा, बाप रे बाप, 7 बजे तक, 6 से 7, 6 बजे ऊपर से नीचे आई मैं, फिर उसके साथ मेरे को 1 घंटा हो गया वहाँ पे बात करते करते। तो ऐसी मतलब जब दोस्त लोग मिलते हैं ना, तो यार टाइम का पता भी नहीं चलता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज सुबह के टाइम। तो आपने मेरा फेस देखा होगा कि थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, और एक तो ऐसा होता ना, घर पे बैठे बैठे भी आदमी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो ऐसे ही हुआ। तो और शाम के टाइम बहुत अच्छा लगा मुझे दोस्तों के साथ मिलके, थोड़ा वो पुरानी वाली यादें ताज़ा हो गई। और दोस्तों, फिर वहाँ से आई मैं, फिर ऐसी बैठी रही, फिर चाय पानी हुई, उसके बाद अभी मैंने खाना बनाया है। तो मैं आपको बताती हूँ आज मैंने खाने में क्या बनाया है। तो अभी मैंने रोटी भी बना ली है, तो खाएंगे तो वैसे हम लेट में ही 9:30 बजे तक। और ये मेरी फेवरेट भिंडी की सब्जी, भिंडी की भुज्जी। तो भिंडी की सब्जी है, और दुकान से बड़ी बड़ी लाई थी मैं, बड़ी बड़ी ख़त्म हो गई थी। खाना भी बना दिया है, और थोड़ी सी मैंने कहा थोड़ा बैठ जाती हूँ, फ़ोन भी नहीं चलाया पूरे दिन भर आज, ऐसी थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग वगैरह, मैं बाहर गई नहीं, और गई तो फिर मैंने वीडियो बनाया नहीं ऊपर तुम्हें का ना, एक थोड़ा सा दिखाना कुछ। तो यार कई बार मतलब भूल जाती हूँ यार ब्लॉगिंग करना, ना ऐसा होता है। अब फिर दोस्तों के साथ तो ज़्यादा ही मुझे पता ही नहीं चलता है। अरे मेरी बिंदी,
अच्छा यहाँ पे ना मेरा एक पिंपल्स हो रखा था, तो अभी नीचे गिरी है बिंदी और पिंपल्स के ऊपर ले। ठीक है, तो दोस्तों आज संडे का दिन भी चला गया है। एक सप्ताह में एक संडे का दिन मिलता है, तो उस दिन ये काफ़ी मज़े मतलब ससुराल जाते हैं, तो आज मैं गई नहीं थी, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो अभी फ़िलहाल ठीक है। और मैं जाऊँगी एक दो दिन में जाऊँगी, क्योंकि मेरा वहाँ पे कैंटीन का कार्ड भी छोटा है ना, तो मेरे को सामान लेना है, तो वहाँ जाऊँगी मैं। और फ़िलहाल तो बैठी हूँ, तो